आज है हमारे पास दोस्तों Xiaomi का Redmi 6A जो कि Xiaomi का सबसे बजट कैटेगरी वाला डिवाइस है। ये हमारे पास दोस्तों गोल्ड वर्जन है। आज करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाले हैं कि कैसा रहा ये फोन का साथ मेरा इंप्रेशन और क्या कुछ आप लोगों को बॉक्स में मिलता है और क्या है ओवरऑल इंप्रेशन मेरा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के बारे में। काफी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है कॉम्पैक्ट फोन के लिए। अगर आप Redmi 5A से कंपेयर करेंगे तो उसका बॉक्स से इसका बॉक्स थोड़ा यहाँ पे छोटा है। उसका भी अनबॉक्सिंग आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है, पूरा रेड कलर का बॉक्स है। दोनों साइड में आप लोगों को Redmi 6A लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। पीछे में कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशनड है। 5.45 इंच का एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। इस बार कोई यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं, मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। हेलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर, 3000 mAh की बैटरी मिलती है आप लोगों को और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। ये हमारे पास दोस्तों 2GB 16GB वेरियंट है गोल्ड कलर में। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा डिवाइस। डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट सा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन वन हैंड फील की अगर बात करें तो काफी अच्छा है। यहाँ पे 18:9 पैनल दिया गया है। 5.45 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है यहाँ पे मेंशन किया गया है सब कुछ। हेलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, तो काफी पावर एफिशिएंट होने वाला है प्रोसेसर। 3000 mAh की बैटरी होने वाली है। अब दोस्तों डिवाइस को साइड में रखते हैं, बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं जो कोई शायद से नहीं पड़ता है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चार्जर की। तो यहाँ पे चार्जर दिया गया है दोस्तों 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का चार्जर। और यहाँ पे बात करें केबल की तो ये दोस्तों माइक्रो USB केबल दिया गया है बॉक्स के अंदर। और एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, तो सिम इजेक्टर टूल से आप जो है सिम वगैरह लगाने के टाइम पे आपका जो है लग सकता है। फिल्म के ऊपर यहाँ पे फिर से कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं, यानी कि हाइलाइटिंग पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि है 5.45 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले। ये एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, यानी कि बेजल्स थोड़ा कम मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे इसका प्रीडिसेसर से। यहाँ पे मीडियाटेक का हेलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 12 नैनोमीटर वाला है इसीलिए काफी पावर एफिशिएंट होगा। 3000 mAh की बैटरी मिलती है। तो चलिए उसे इस फिल्म को उठा देते हैं। तो फिल्म को उठाने के बाद ऐसा लुक आता है। पीछे से अगर बात करें तो पीछे में भी आप को एक फिल्म मिलता है, उसको भी जल्दी से उठा देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों डुअल रियर कैमरा सेटअप नहीं है, ये सिंगल कैमरा है और उसके साथ यहाँ पे बाजू में LED फ्लैश है। और ये दोस्तों बैक आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का बैक है। पीछे ही स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे MI का लोगो दिया गया है। राइट साइड में आप लोगों को पावर की वॉल्यूम रॉकर्स देखने के लिए मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आप लोगों को सिम ट्रेज और SD कार्ड स्लॉट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ये दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी कि एक में आप जो है सिम और माइक्रो SD कार्ड लगा पाएंगे और एक में आप जो है अपना सेकेंड सिम लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको बूट अप कर लेते हैं। तो जब तक बूट होता है तब तक मैं आप लोगों को जो है स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। इस Xiaomi Redmi 6A में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5.45 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। MIUI इसके ऊपर आता है, Xiaomi का अपना कस्टम UI। यहां पे मीडियाटेक का हेलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है। 2GB 16GB एंड 2GB 32GB वेरिएंट अवेलेबल है। यहां पे डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी कि तीनों स्लॉट अलग अलग आप लोगों को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और 3000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को 5.45 इंचेस का यहाँ पे जो है डिस्प्ले है, लेकिन 18:9 पैनल के वजह से बेजल्स कम है और कॉर्नर्स थोड़े कर्व्ड है। अगर आप थोड़े देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को ईयरपीस, फ्रंट फेसिंग कैमरा और सेंसर वगैरह मिल जाते हैं। नीचे कोई की नहीं है, फिजिकल की नहीं है, आप लोगों को ऑन स्क्रीन नेविगेशन कीज वगैरह मिलते हैं। नीचे में आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है जहां से आप चार्ज कर पाएंगे और डेटा केबल लगा के डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। नीचे माइक्रोफोन है, ऊपर में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है और 3.5 mm हेडफोन जैक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं UI के बारे में। MIUI मिलता है आप लोगों को और एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन मिलता है वो भी बता देते हैं। अबाउट फोन में जाएंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन आप देख सकते हैं 8.1 आप लोगों को मिलता है ओरियो। यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे MIUI का अगर वर्जन देखेंगे 9.6.18 मतलब 1.8 वाला वर्जन है यहाँ पे और टिपिकल MI वाला UI है। UI के बारे में आप लोगों को पता ही होंगे, डुअल एप्स मिलेंगे आप लोगों को और भी काफी सारे इनबिल्ट कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे, ऐप लॉक वगैरह। तो MIUI के फीचर के बारे में आप लोगों को जो है पता ही होगा जरूर से। और यहाँ पे काफी प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। UC ब्राउजर प्री इंस्टॉल्ड दिया गया है और भी काफी सारे एप्स प्री इंस्टॉल्ड दिए गए हैं जो कि Xiaomi में आप लोगों को मिलते ही है क्योंकि उसी से Xiaomi का अर्निंग होता है। यहाँ पे स्टोरेज की बात कर लेते हैं। 16GB वेरियंट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, तो इसके अंदर आप लोग को 8.9
8GB फ्री देखने के लिए मिल जाता है काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप रहने के बावजूद भी। अब फोन को लेके आ चुके हैं आउटडोर, यहाँ पे कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, काफी सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को, नॉर्मल फोटो मोड वगैरह, स्क्वायर मोड, पैनारोमा, मैनुअल मोड भी आप लोगों को मिल जाता है बजट कैटेगरी वाले स्मार्टफोन में, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। यहाँ पे वीडियो मोड मिल जाता है और यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बोल के कुछ फीचर है, शायद से ये इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडियाज के लिए वगैरह वगैरह के लिए होंगे। यहाँ पे HDR मोड भी है आप लोगों के पास, इसको आप ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छा जो है फोटो आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्या सेटिंग्स मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को टिल्ट शिफ्ट बोल के कुछ मिलता है, सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप जो है और भी सारे जो है फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो सेटिंग्स भी आप यहीं से जो है चेंज कर पाएंगे। तो कैमरा सैंपल्स मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दिया है, वहां से आप जो है कैमरास को जज कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।